इसके बाद यहाँ पे और है, फिर काफी अंधेरा है और अंधेरा इसलिए है क्योंकि जो मैन गेट होता है वो अभी सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मनोज झा, आप देख रहे हैं मनु के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आज हम आए हैं जगमनपुरा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा किला है, तो चलिए हम आपको यहाँ का किला दिखाएंगे और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अभी हम जगमनपुरा के किला के पास में ही खड़े हैं, देखिए यहाँ पर ये किला है और ये यहाँ पर गेट दिख रहा है, तो चलिए हम आपको किला के अंदर ले चलते हैं। तो किला का गेट ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है और ये पहला दरवाज़ा है, किला का फर्स्ट गेट है और गेट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत बना है और इसकी किला की जो चारों तरफ की बाउंड्री है बिल्कुल मजबूत बनी हुई है क्योंकि उस टाइम पे बनी रहती थी। और ये आप गेट पे कीलें वगैरह देख रहे होंगे, ये कीलें क्या होती थी, अगर गेट बंद होने के कारण या किसी और राज्यों से लड़ाई होती थी तो उसमें क्या है कि कोई गेट खोल ना पाए इस तरीके से, या फिर कोई हाथी की मदद से गेट ना खोल पाए, इसलिए वहाँ पर कीलें लगाई जाती थी कि हाथी की मदद से अगर वो टूट जाएंगे तुरंत ही, इस वजह से यहाँ पर कीलें लगाई जाती हैं। तो फिर हम किला के अंदर आ चुके हैं और देखने का कुछ मतलब ये आप देख सकते हो किला कुछ इस तरीके का बना हुआ है और इधर आप देखेंगे तो किला के कुछ और मतलब छोटी छोटी इमारतें बनी हैं किला से ही रिलेटेड। और अगर आप लोग इस साइड देखोगे तो इस साइड में क्या है कि यहाँ पे एक स्कूल चल रहा है, मतलब एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम है श्री राज माता वैष्णव जू देव इंटर कॉलेज जगमनपुर जालौन, ये सरकारी स्कूल है। और इसमें जो किला के जो मालिक हैं मतलब किला के जो राजा हैं, खैर वो राजा तो आप रहे नहीं, उनके बच्चे हैं तो उनके नाती वगैरह हैं तो उनने अनुमति दी है तो इसलिए ये चल रहा है। और इसमें बच्चे भी हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, अभी हम हैं मौजूद में तो हमने अभी देखा था तो काफ़ी टीचर वगैरह थे और स्टूडेंट भी हैं। तो चलिए हम आपको किला के अंदर ले चलते हैं और यहाँ के यहाँ से जुड़ी हुई पूरी जानकारी देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है किला का दूसरा गेट और इसमें भी वही कीलें लगी हुई हैं क्योंकि खोलने का नज़रिया भी मतलब वही होता है, अगर हाथी की मदद से खोला जाएगा तो ये टूट जाएंगे क्योंकि हाथी में बहुत ताकत होती है, इस वजह से यहाँ पे कीलें लगाई जाती हैं। तो गेट काफ़ी बड़ा है और चलिए हम गेट के अंदर चलते हैं। और ये वो रास्ता है, अच्छा ये रास्ता क्या ऊपर की तरफ जाता है, जीना है, मतलब आज के ज़माने में बोलें तो ये जीना है, उस टाइम पे जीना नहीं कह सकते थे क्योंकि जीना अगर बनाते तो इस पे घोड़ा हाथी आना जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि घोड़े से आना जाना इसलिए होता है कि जो यहाँ के जो मतलब सिपाही वगैरह होते हैं तो उनको क्या है कि पैदल, इतना बड़ा किला है पैदल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो घोड़ा पे ही बैठ के पूरा मतलब घूमते थे, सैनिक वगैरह हैं, सैनिक के जो सरदार वगैरह लोग होते थे तो वे घोड़ा से ही आना जाना रखते थे और इस पर रथ भी आता जाता रहता था, इस वजह से यहाँ पर ऐसी कुछ सुविधा बनाई गई हुई थी। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके का किला है और ये आप देख पा रहे हैं ये है तीसरा गेट, और तीसरा गेट भी काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें ताला डला हुआ है, हमने यहाँ पे पता किया है तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो राजा हैं, राजा के जो लड़के हैं नाती वगैरह तो वो अभी हैं अंदर, इसलिए उसमें ताला है। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा मंदिर है जो कि शंकर जी का है, यहाँ पे लोगों ने बताया है, तो वो अगर मतलब ताला खुला होता तो वो हम आपको दिखाते तो वो भी काफ़ी अच्छा बना था, तो खैर कोई बात नहीं वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो इधर से आप देख लीजिए ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड है और ये आप सामने देख रहे होंगे तो ये क्या किला है, मतलब फर्स्ट गेट था जिस तरफ से हम आ रहे थे, जिस मतलब जो हमने आपको अभी दिखाया है, तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है आप देख लीजिए, ये दीवारें हैं और ये सब ईंटों की उठाई है उस टाइम पे जो होती थी, काफ़ी पुराने मतलब जिस भी किला में अगर आप घूमने आओगे तो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, ऐसा तो होता ही है। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, आप लोग आएँ और आप लोग यहाँ पे आके आनंद लें और देखें, काफ़ी सुंदर बना हुआ है और पुरानी चीज़ें याद आएंगी अगर आप यहाँ पे आओगे, राजाओं के टाइम पे क्या क्या होता था, ऐसा नहीं है पहले भी काफ़ी लोग दिमाग लगाते थे कि ये जो दीवार बनाई गई है कैसे मजबूत होगी और क्या क्या इसके अंदर जो मतलब हो सकता है वो किया जाता है। तो गेट के सामने ये गुंबद बनाई गई है, इसका क्या है कि अगर
गेट के सामने इसलिए बनाई गई है कि अगर दूसरे किसी राजा ने आक्रमण किया है तो फिर सीधा जो तोप का गोला है वो यहीं पे आके गिरे, सीधे गेट के अंदर ना आए। यहाँ पे लोगों ने बताया है ऐसा, तो इसलिए ये गुंबद बनाई गई है। और यहाँ पे सैनिक खड़े रह के पूरी किला की मतलब वो सूचना करते थे, वो किला की पूरी देख रेख करते थे, जो ऊँचाई पर खड़े रहते थे ना वो यही गुंबद हैं। और भी इसके ऊपर भी और हैं लेकिन गेट बंद है, नहीं तो हम आपको ऊपर का दिखाते। और आप सामने देख रहे होंगे ये मंदिर है जगमनपुर गांव में, ये मंदिर है, छोटा सा कस्बा है, रामपुरा के पास में ही है। अगर आपको यहाँ आना है तो उत्तर प्रदेश के जिला जालौन रामपुरा के पास में ये पड़ता है जगमनपुर, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत अच्छा किला है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम आपको किला के लेफ्ट साइड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो इधर आप जाओगे तो इधर क्या पेड़ पौधे उग गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रेख अच्छे से होती नहीं है, इस वजह से जो यहाँ के जो मतलब यहाँ के जो राजा हैं वो लखनऊ में भी रहते हैं। राजा का क्या नाम बताया था हमें याद नहीं आ रहा, तो हम उनका भी नाम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो वो भी यहाँ पे आते जाते हैं, लेकिन उनका एक मकान लखनऊ में भी है, तो वो लखनऊ में भी रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे देख रेख इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो इस वजह से ये पेड़ पौधे उग गए हैं। तो चलिए हम आपको और आगे का दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का बना हुआ, और ये वाला गेट जो था साइड में उत्तर दिशा का, ये क्या बंद कर दिया गया, देखो ये बंद हो गया, ये अपनी ये नई उठाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो ये नई उठाई, इसलिए बंद कर दिया गया। तो कुछ इस तरीके का बना हुआ, चलिए हम आपको और भी आगे का दिखाते हैं। और आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और सभी लोग वीडियो को लाइक करके जाना। और बस अब इसके आगे जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो हाँ, ये जो हम गुंबद की बात कर रहे थे, ये मतलब किला के जो फर्स्ट इधर मतलब जो उत्तर साइड में जो वो गेट है, ये वाला ये जो उत्तर साइड में गेट है, इसके सामने भी ये गुंबद बनी गई है। तो यही मतलब राज है, और ये पुरानी डिजाइन है कि मतलब कोई आक्रमण करे तो सीधे गेट के अंदर तोप का वो गोला नहीं आए, यहीं पर रुक जाए, तो इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे जाने का रास्ता है यहीं से, तो यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो। चले चलो, ओहो बंद है इधर, बंद है। और फिर क्या है इसमें, वो अंधेरा भी बहुत है। चल चलते हैं, देखियो ये देखिए कुछ इस तरीके की सुरंग है, बट इसमें अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मेल वगैरह बहुत आ रही, पक्षी वगैरह हैं इस वजह से। तो चलिए हम वापस आते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना। तो दोस्तों, ये जो किला है ये अभी भी राजाओं के जो वारिस हैं मतलब नाती वगैरह हैं, तो उनके नाम पर अभी भी है, तो ये उनकी ही देख रेख में ये चल रहा है। और काफ़ी अच्छा किला है, जैसे कि हमने वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाया। और इसमें क्या होता है, जैसे कि भारत के किसी भी धरती पर अगर कोई किला या कोई प्राचीन बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है, सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है, वो होता है पुरातत्व विभाग। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई सरकारी किला या फिर कोई मतलब मकान बिल्डिंग कुछ होती है, तो उसमें क्या होता है, उनके अगर बारिश अगर ना हो, जिंदा ना हो, तो उनका क्या होता है, वो बिल्डिंग और वो पूरी प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग के अंडर चली जाती है, मतलब सरकारी खजाने में चली जाती है, तो फिर वही लोग देख रेख करते हैं। और इधर से हम आए थे, तो इधर से हम नीचे चलते हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इधर से जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ से हम आए थे, तो और इसके बाद यहाँ पे एक और है, काफ़ी अंधेरा है, और अंधेरा इसलिए है क्योंकि जो मेन गेट होता है वो अभी तो दोस्तों हमने आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए इस किला की जानकारी दी है। तो अगर आप लोगों को ये किला की जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।